हमारे मन के बारे में रिसर्च हुई, शोध हुआ और शोधकर्ता कहते हैं 24 घंटे में हमारे मन में 50,000 से लेकर 80,000 तक थॉट्स क्रिएट होते हैं। भाइयों बहनों, हमारा मन कैसे दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है आप सोच सकते हैं? सवेरे से लेकर रात तक, शाम तक 50,000 से लेकर 80,000 तक थॉट्स हमारे मन में आते हैं। कोई व्यक्ति सवेरे से लेकर शाम तक दौड़ता रहे तो उसका हाल क्या होगा, शाम को क्या होगा? और हम क्या हो गए बताइए? बहन जी आप थक गई हैं? बहन जी उधर नहीं देखिए, इधर देखिए, थक गए आप? क्यों शिल्पा जी थक गई हैं? नहीं, फ्रेश है? सारी दुनिया थकी हुई है। मैं आपका औरा पढ़ रहा हूं, औरा समझते सुरेश जी? औरा समझते? औरा माने क्या है? औरा, औरा माने आभा मंडल, माने प्रभा मंडल, माने सॉफ्टवेयर की शक्ति, वो यहां से हमारे नजर आती है। तो मुझे सभी का औरा कैसा नजर आ रहा है? सभी विजिबली टायर्ड, विजिबली टेंस। क्यों क्यों थके हुए हैं? तन से ज्यादा आज हम मन से थक गए हैं। ओके? तो अगर हमें अपने मन को फ्रेश रखना है, अपने मन को ताजा रखना है, तो भाइयों बहनों उसकी विधि क्या है, उसकी विधि क्या है? हमें पॉजिटिव सोच करनी पड़ेगी। पॉजिटिव सोच कैसे करेंगे? अच्छा सोचेंगे। कैसे करेंगे? अच्छा। मेडिकल साइंस ने हमें बताया है, उन्होंने शोध किया है कि सवेरे आप जितने बजे भी उठते हैं, उठने के बाद जो पहला घंटा होता है, जो पहला आधा घंटा होता है, मेडिकल साइंस ने उसको नाम दिया है गोल्डन आवर ऑफ द डे। भाइयों बहनों क्या नाम दिया? सवेरे उठने के तुरंत बाद जो पहला घंटा है, जो पहला आधा घंटा है, मेडिकल साइंस उसको कहती है वो हमारे दिन का स्वर्णिम घंटा है। वो क्या है? वो आधा घंटा, वो एक घंटा डिसाइड करेगा कि आज मेरा दिन कैसा गुजरने वाला है। अब आप मुझे बताइए हमारा कैसे शुरुआत होती है दिन की? बोलिए, हाउ डू वी स्टार्ट आवर डे? व्हाट्सएप डे। कैसे हम शुरुआत करते हैं दिन की बताइए? व्हाट्सएप डे। हाँ बैठिए, कैसे शुरुआत करते हैं? आप बैठिए प्लीज। कैसे शुरुआत करते हैं? या तो मोबाइल से बात करते हैं, इंटरनेट पर होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बात नहीं करते हैं। ये सुन लो भाई सब जो अभी भी पधारे हैं, आपका नाम पीयूष भाई और मैं भी पीयूष भाई, ताली बजाइए इनके लिए प्लीज। आपने ताली जैसे कानपुर वाली नहीं बजाई। पीयूष भाई मैं बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था, कहां थे? थैंक यू, फिर भी देर आया, दुरुस्त आए। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं भाई और बहनों, सवेरे हमें जल्दी उठना है और जल्दी उठ के क्या करना है, क्या करेंगे कल सवेरे? हम सेल्फ डायलॉग करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे कल? माने हम अपने आप से क्या करेंगे? ये मिस कर रहा है सर। हम क्या करेंगे कल सवेरे? अपने आप से बात करेंगे। पीयूष भाई कैसे करेंगे अपने आप से बात? हाँ वो तो उठेंगे, बैठिए, खड़े होने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे अपने आप से बात? मिस कर रहा है, लीड वाला है, मुझे लीड वाला भी दे सकते हैं? हाँ जी बोलिए पीयूष भाई। आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस पूछ ली, बोलते नहीं। हेलो, हाँ जी, पहले तो मैं अपने आप से पूछूंगा मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। ओ, फिर वही नेगेटिव टॉक वार्निंग भी है। पहले हम गलत करेंगे तो ही तो हम सुधारेंगे उसको। ओके सुरेश जी आप बताइए, सेल्फ डायलॉग माने क्या? प्लानिंग करेंगे हम। हाँ, और कौन बताएंगे भाई साहब आपका नाम? सोनू भाई बोलिए। अपने आप से बात करेंगे, अपने को सुधारेंगे। हाँ, और बताइए कोई पीछे से बोलेंगे? हाँ जी, संदीप मल्होत्रा। हाँ संदीप भाई बोलिए। सर अपनी दिनचर्या प्लान करेंगे। ओके,
टाइम टेबल शेड्यूल प्लान वर्किंग कैसे किस आवर वेरी गुड वेरी गुड जैसे कि प्लान हो गया उसी हिसाब से अपना से शुरू करें ओके ओके और कोई पीछे से बोलेंगे हाँ पीछे वाले कोई बोले मुझे आपके नाम पता नहीं है वरना मैं नाम से पूछता एनीबॉडी सेल्फ डायलॉग माने क्या आप कुछ बोलते नहीं हाँ ओके ओके देखिए दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की हाँ जी अन्ना जी दुनिया वालों से बात करने के लिए बोलिए दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है लेकिन खुद से बात करने के लिए मौन की जरूरत है तो कल सवेरे क्या करेंगे कल सवेरे क्या करेंगे दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है लेकिन स्वयं से बात करने के लिए मौन की जरूरत है और फोन के लिए सुरेश भाई बिल चाहिए क्या चाहिए नकुल साहब क्या चाहिए फोन के लिए बिल चाहिए और मौन के लिए दिल चाहिए तो कल सवेरे हम क्या करेंगे दिल से राइट आप जिस टाइम पर भी उठते हैं मैं ब्रह्मा कुमारी में 34 सालों से हूं और यहां का एक स्लोगन मुझे बहुत पसंद है जिसको मैंने अपने जीवन में धारण किया है रात को 10 माने बस रात को 10 माने रात को 10 माने और सवेरे 4 माने तैयार आप टेंशन में नहीं है ना पीयूष भाई ठीक है ताली बजाने के लिए आप ये रूटीन 1 महीने फॉलो कर लीजिए ओनली 1 मंथ और अगर 1 महीना भारी लगता है तो आप ये रूटीन 1 हफ्ते फॉलो कर लीजिए आज कौन सी तारीख है 18 आज कौन सा दिन है शनिवार से अगले शनिवार तक आप ये रूटीन फॉलो कर लीजिए रात को 10 माने और सवेरे 4 माने एक फोटो हमारे भाई साहब ने आज आपका खींचा है एक हफ्ते के बाद खींचवा लीजिए आपके चेहरे का ग्लो आपके चेहरे की आभा आपके चेहरे का नूर बदल जाएगा और वो भी बिना फेयर एंड लवली के यस yes.